आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे दो प्रीवियस वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली EZ का जो नॉमनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, कौन से सिस्टम को, कौन से आइसोमर को E बोलते हैं, कौन से Z को बोलते हैं, उसको CIP रूल, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल दिया था। इस रूल पर आधारित हमारा ये जो EZ सिस्टम है, इसको आज हम लोग बहुत ही सरल भाषा में ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। तो हम सारे कॉम्प्लेक्स केसेस को यहां पर उठाएंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको सरल भाषा में समझाएंगे। तो बने रहिएगा और इसी प्रकार से सीखते रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे अपना ये जो EZ, देखिए EZ के बारे में कुछ अहम बात। नॉर्मली इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब टेक्निकली सिस ट्रांस आप इस्तेमाल ना कर सकें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। यानी वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल रहे हैं, आपको उनको डिस्टिंग्विश करना है नाम के आधार पर, लेकिन सिस ट्रांस टेक्निकली आप इस्तेमाल ना कर पाए तब EZ का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए कौन सा एग्जाम्पल है, अब हम एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताते हैं कहां पर ऐसे सिचुएशंस आएंगे। जैसे आप ये उदाहरण देखिए, यहां पर बच्चों अगर आप देखिए, हमने आपको सिस ट्रांस होने की एक जो उम्मीद है, जो कहां पर होगा उसकी कंडीशन बताई है। वो कंडीशन क्या है, जैसे आप ये डबल बॉन्ड के दो कार्बन देख रहे हैं, इन दोनों कार्बन में एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। जब एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन होता है तभी सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे सिस ट्रांस तब होगा जब दोनों कार्बन पे जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, और एटलीस्ट एक ग्रुप दोनों में कॉमन होगा। लेकिन यहां पर आप देखें, ये दो डिफरेंट है मान लिया CH3H, ये दो डिफरेंट है मान लिया CL और F, यानी यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी। मतलब ये दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो समझ जाइएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। लेकिन कोई ग्रुप कॉमन नहीं, इस लिहाज से यहां पर सिस ट्रांस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो आखिर क्या हम इनको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, हमारे पास तरीका है जिसको बोलते हैं EZ, जो कॉन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। बच्चों ई और जेड का देखिए मतलब, ई स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट। अब देखिए जैसे हम लोग ट्रांस कब बोलते हैं, जब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में हो। सिस कब बोलते हैं, जब सेम ग्रुप सेम साइड में हो। तो जहां ट्रांस हम लोग यूज करते थे उसके स्थान पर हम ई यूज करेंगे, एंटीजीजेन। ये हमारा इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये बाहरी वर्ड है, एंटीजीजेन का मतलब ऑपोजिट साइड। और जहां सिस यूज कर देते एक साइड, उसके लिए जेड यूज करेंगे, जोजामेन। तो जोजामेन मतलब एक ही साइड, और ई एंटीजीजेन मतलब ऑपोजिट साइड। अब बच्चों ये कैसे निर्धारित करेंगे क्या चीज सेम साइड और क्या चीज ऑपोजिट साइड, ये हम प्रायोरिटी से डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी किस चीज की, अब इसको उदाहरण से समझते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिए, हमने इसी उदाहरण को समझाया है। आप जो प्रत्येक कार्बन है, जैसे ये और ये, इन पर जो ग्रुप्स लगे हैं इनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। प्रायोरिटाइज कैसे, आप ध्यान से देखें, ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है यहां पर डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इसको हम हायर प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको लोअर प्रायोरिटी 2 देंगे। इसी प्रकार राइट वाले कार्बन में देखें, यहां पर Cl जुड़ा है फ्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज्यादा है इसलिए इसको बच्चों प्रायोरिटी 1 देंगे और फ्लोरीन को प्रायोरिटी 2। तो आप बात समझे, यहां पर सेम प्रायोरिटी एक ही साइड है डबल बॉन्ड के, इसको हम लोग जेड बोलते हैं। और इसके उल्टे अगर आपने इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया तो दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिला। यहां पर आप देखिए सेम प्रायोरिटी 1 और 1, ऑपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, इसको हम लोग बोलते हैं ई एंटीजीजेन।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रायोरिटाइज पहले करेंगे, फिर सेम प्रायोरिटी अगर एक साइड है तो जेड फॉर्म होगा, और सेम प्रायोरिटी अगर अपोजिट है तो ई फॉर्म होगा, ठीक है। इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो प्रायोरिटी डिसाइड करने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको सीआईपी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सीआईपी रूल, कैन इन लॉग कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। तो देखिए हम उसके आधार पर अब आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखिए जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है, यहां पर हम आपको सीआईपी रूल के आधार पर चीजें बताना शुरू करेंगे, आगे आने वाले उदाहरणों में और क्लियर होगा जहां टफ हम एग्जांपल्स लेंगे। लेफ्ट वाला कार्बन पहले देखते हैं, यहां पर बच्चों डायरेक्टली पहला आपका काम क्या होगा, डायरेक्टली जो जुड़ा है उसको देखिएगा, अगर वहां पर टाई हो जाता है तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर तो देखिए कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो बच्चों ये हो गई प्रायोरिटी वन और कार्बन हो गया प्रायोरिटी टू। अब हम लोग राइट वाले कार्बन पर आते हैं। अब बच्चों देखिए इस कार्बन से यहां भी कार्बन जुड़ा है, यहां भी कार्बन जुड़ा है, तो यहां पर तो मैच टाई हो गया। जब टाई हो जाता है तो हम आगे बढ़ते। जब बच्चों आप आगे देखिए, अभी बहुत सरलता से एग्जांपल आप कर सकते हैं, और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम आगे बताएंगे। यहां पर आगे बढ़े तो CH3 डायरेक्टली देखिए किससे जुड़ा है, कार्बन। तो अब आप समझे यहां दो हाइड्रोजन था एक कार्बन था, तो इस कार्बन से एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है, जिसमें हाइएस्ट वाला कौन है, कार्बन। इस कार्बन से अब देखिए तीन एटम डायरेक्टली जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जिसमें हाईएस्ट वाला कौन है, ऑक्सीजन। यानी जब टाई होने के बाद आप एक स्टेप आगे बढ़े तो यहां पर ऑक्सीजन वाले का क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो विनर कौन हो जाएगा, विनर ये हो जाएगा CH2OH, और ये जो इथाइल ग्रुप है ये लूजर हो जाएगा, ये सेकेंड प्रायोरिटी होगा। आप समझ गए? तो अब इसको आप एक्सचेंज करेंगे दूसरा वाला। तो यहां पर देखें, यहां पर सेम प्रायोरिटी वन और वन एक ही साइड आ रही है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम हम लोग देंगे जेड आइसोमर। और यहां पर आप देख सकते हैं इसको आप उलट देंगे तो यहां पर ये प्रायोरिटी वन, ये प्रायोरिटी टू, ये प्रायोरिटी वन, ये प्रायोरिटी टू, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ रही है, बच्चों इसका नाम क्या होगा, ई आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जिसमें लेफ्ट वाला जेड है और राइट वाला ई है। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब हम आपको और उदाहरण लेकर इसको समझाते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे हम सीआईपी रूल के अंदर जा रहे हैं और टफ एग्जांपल एक के बाद एक उठाएंगे और आपको लास्ट तक सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप बात देखिए, अब इस कार्बन से अगर डायरेक्टली देखें तो देखिए यहां लेफ्ट वाले कार्बन को देख रहे हैं बच्चों, यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन मैच टाई हो गया, तो जब मैच टाई हो जाएगा तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। यहां जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन। अभी आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये सरलता से सवाल चुकी हो जाएगा तो हम सरल तरीके से कर रहे हैं, जब और ज्यादा इसमें अंदर घुसने की बात होगी तो भी करेंगे। तो यहां पर आप समझे इनमें कौन ज्यादा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, तो यहां पर किंग कौन है, ऑक्सीजन, और यहां पर एक ही है तो किंग कौन होगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन भारी पड़ता है एटॉमिक नंबर में, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहां विनर हो जाएगा ऊपर वाला ग्रुप और जो लूजर हो जाएगा वो नीचे वाला ग्रुप, ठीक है। तो सरलता से जब हो जा रहा है हम सरलता से करेंगे, जहां हमको कॉम्प्लेक्स चीजें मिलेंगी आगे मिलेंगी तो उसको हम और ज्यादा रूल्स रेगुलेशन आपको बताएंगे। अब देखिए राइट वाले की बात करते हैं, राइट वाले में देखिए यहां पर बच्चों कार्बन है, यहां कार्बन देखिए मैच टाई हो गया, अब आगे बढ़ना होगा। यहां तीनों हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन है और एक डायरेक्टली कार्बन है, तो यहां पर जो कार्बन वाला फैक्टर आ गया वो विनर बना दिया, तो ये जो ग्रुप है ये विनर हो जाएगा, ये प्रायोरिटी वन हो गई और ये प्रायोरिटी टू। अब यहां आप देख सकते हैं सेम प्रायोरिटी वन और वन अपोजिट साइड है, टू और टू अपोजिट साइड है, तो जब अपोजिट साइड होता है तो कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यहां वाला आप देख सकते हैं ये सरलता से, यहां पर ये वाला वन, ये वाला टू, ये वाला वन, ये वाला टू, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, ये हो जाएगा जेड। तो देखिए इस प्रकार से अब और अंदर घुसेंगे हम लोग रूल के, और ज्यादा हम लोग को वहां पर कुछ जिसको ड्यूप्लीकेट कहेंगे या कुछ और वहां पर टर्म हम यूज करते हैं हम आपको बताते रहेंगे। देखिए यहां पर अब आप देखिए कार्बन कार्बन फिर डबल बॉन्ड, ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया। इस कार्बन की देखिए लेफ्ट वाले की बात करें, यहां पर बच्चों ध्यान से देखें,
सी डबल बॉन्ड हो, तो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो ये चीज तो देखिए टाई हो गया, यहां पर मैच टाई हो गया, पहले कार्बन पर टाई हुआ, फिर आगे बढ़े तो ऑक्सीजन पर टाई हो गया, उसके बाद आगे बढ़े तो यहां ऑक्सीजन है और यहां आगे बढ़े तो क्लोरीन है। अब देखिए कौन जीतेगा, स्वाभाविक सी बात है क्लोरीन वाला जीत जाएगा, तो जहां टाई होगा वहां से आगे बढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कौन विजेता है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वो विजेता होगा, यहां पर विजेता हो गया नीचे वाला और लूजर हो गया ऊपर वाला। अब देखिए दाहिने वाला राइट वाला देखेंगे, कार्बन कार्बन टाई, फिर आगे बढ़े कार्बन कार्बन टाई, फिर आगे बढ़े क्लोरीन ब्रोमीन, विजेता कौन, ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, प्रायोरिटी वन प्रायोरिटी टू, आप देख सकते हैं सेम प्रायोरिटी सेम साइड है, क्या होगा बच्चों, ये होगा जेड वाला आइसोमर, और यहां आप देख सकते हैं क्या होगा, ये टू ये वन, ये वन और ये टू, ये वन और ये टू, तो यहां आप देख सकते हैं सेम प्रायोरिटी, यहां पर हमने जो है एक ही बना दिया है इसलिए सेम आ रहा है, या हमने एक ही बना दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक ही बना दिया है, तो अब इसको अब थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, हमने सीएल यहां पर हम बीआर हमने ऊपर ही वाला यहां बना दिया, तो यहां कोई बात नहीं है, यहां बीआर लिख दें, यहां सीएल लिख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन ये टू और ये टू और ये वन, तो सेम प्रायोरिटी वाले आप देख सकते हैं, वन और वन अपोजिट साइड में है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई वाला आइसोमर। तो इस प्रकार से सीआईपी रूल आप समझे। अब और हम अंदर घुसेंगे इसके, और ज्यादा रूल रेगुलेशन आपको बताएंगे, ये उदाहरण देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर होगा, बहुत अच्छा उदाहरण हमने लिया है, यहां पर आप देखिए कैसे अब आप चीजों को करेंगे, आप ये देखिए कार्बन है, यहां पर देखिए डायरेक्टली कौन जुड़ा है, डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है, यहां पर भी कार्बन जुड़ा है, मैच टाई हो गया, फिर आप आगे बढ़े, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, अब यहां डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि यहां भी टाई हो गया, 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 अब कैसे डिसाइड करें, तो देखिए हम आपको अब रूल बता रहे, ध्यान से अब सीआईपी के रूल यहां पर जो कॉम्प्लेक्स वाले खुलना शुरू होगा, देखिए जैसे आपने ये जो सीएच डबल बॉन्ड सीएच टू, ध्यान से देखेंगे इसको आपको लिखने का तरीका सीआईपी रूल के अंतर्गत ऐसे बनाइए, ये हाइड्रोजन लगाता हाइड्रोजन लगाइए, ये दो जो डबल बॉन्ड हैं इनसे दो कार्बन को जोड़ दीजिए, देखिए ध्यान से एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ये जो कार्बन है इसमें से एक जो कार्बन है इसमें दो हाइड्रोजन है, तो किसी एक कार्बन को पकड़ लीजिएगा और उससे दो हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा, जोड़ लिया, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक दो तीन बॉन्ड हो गया, एक बचा है, तो जो बचा है उसके वाले से आप आगे ऐसे खींचेंगे तो इस प्रकार से एक बॉन्ड अब आगे की तरफ आप बढ़ा देंगे, और आगे कैसे बढ़ाएंगे, यहां पर एक कार्बन लगा दीजिएगा ऐसे, तो देखिए फिर से मैं आपको बता रहा क्या करना है, यहां पर ये जो कार्बन था डबल बॉन्ड से जुड़ा था तो आपने एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बनाया, ये दो हाइड्रोजन थे तो किसी एक कार्बन से आप दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और वो चार बॉन्ड बनाता है, तीन हो गया, तो जो बचा वाला बॉन्ड है उसको कार्बन से सेटिस्फाई कर दीजिएगा और जो दूसरा वाला कार्बन है उसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ एक ही से ऐसा काम करेंगे, दूसरा वाले में जो है उसकी वैलेंसी फैंटम एटम से सेटिस्फाई होती है वो मत दिखाइएगा, फैंटम एटम मतलब उसको नहीं दिखाना है। तो अब हम देखिए ट्रिपल बॉन्ड को भी ऐसे ही करके दिखाएंगे, ध्यान से देखिए, अब जब ट्रिपल बॉन्ड को आप करेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो ध्यान से देखिए ये कार्बन आपने बना लिया, अब इससे तीन कार्बन है, तीन ट्रिपल बॉन्ड है, तीन कार्बन जोड़िएगा, ध्यान से देखिए एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ठीक है, अब बाकी दो को छोड़ दीजिएगा, एक पर निशाना रखिएगा, जैसे यहां पर भी एक पर निशाना, तो यहां पर एक हाइड्रोजन था तो एक पर किसी पर हाइड्रोजन लगा दीजिएगा और देखिए दो बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो दो यहां पर इस प्रकार से बॉन्ड लगा के कार्बन लगा दीजिएगा, ये देखिए इस प्रकार से आपको करना है। फिर से देखिए हम सी ट्रिपल बॉन्ड सीएच का बता रहे हैं, फिर से हम इसका बता रहे हैं, तो हम इसको पहले मिटा देते हैं फिर आराम से बताते हैं, चलिए तो हमको बनाना था जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 का, इसको फिर से बता रहे ध्यान से देखें, तो यहां पर क्या करना है, ये कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन, फिर ये जो डबल बॉन्ड है इसको दो कार्बन से ऐसे जोड़ दीजिएगा, अब किसी एक कार्बन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है, ये दो जो हाइड्रोजन जुड़े हैं किसी एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा और इसी कार्बन पर अब ध्यान केंद्रित किए रहिएगा, ये चार बॉन्ड कोई भी कार्बन बनाता है, यहां पर तीन है
तो एक बॉन्ड आप कार्बन से सेटिस्फाई कर दीजिएगा, इस प्रकार से आपको करना है। अब आप फिर देखिए ट्रिपल बॉन्ड में हम आपको सिखा रहे हैं, जब आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां आपने एक कार्बन ले लिया, अब ये देखिए तीन बॉन्ड है, यानी तीन कार्बन से आपको इसको जोड़ना है बच्चों। आपने जोड़ लिया और एक कार्बन पर अब आप ध्यान केंद्रित करिएगा, और एक हाइड्रोजन लगाना है तो हमने इस पर ध्यान केंद्रित किया, एक हाइड्रोजन लगा लिया। लेकिन कार्बन तो चार बॉन्ड बनाता है ना जी, तो यहां पर दो ही बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड आप एक्स्ट्रा बनाएंगे और उनको किससे सेटिस्फाई करेंगे, कार्बन से। ये देखिए आपने इसको इस प्रकार से, जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से खोल के लिखते हैं। अब देखिए अब यहां पर हम कंपेयर करा रहे हैं, तो जब आप कंपेयर कराना शुरू करेंगे तो चलो बच्चों कंपेयर करा रहे, देखते कौन जीतता। अब आपके सामने एकदम खुल के आ जाएगा ये कार्बन मामला रद्द हो गया, टाई हो गया। फिर आगे बढ़े तो यहां कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां कार्बन, ध्यान से देखेंगे हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, यहां देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, बात समझिएगा। यहां पर आगे बढ़े तो दो कार्बन एक हाइड्रोजन, यहां पर आगे बढ़े तो तीन कार्बन, तो दो कार्बन में तो मामला रद्द हो गया, यहां रद्द हो गया, यहां रद्द हो गया, यहां रद्द हो गया, यहां रद्द हो गया, लेकिन यहां पर था हाइड्रोजन और यहां था कार्बन, तो विजेता कौन? कहीं एक भी मैदान में आप जीत गए तो जीत आपकी ही है, विजेता हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दिस इज वन एंड दिस इज टू। तो यहां प्रायोरिटाइज कर लेते हैं बहुत ही सरलता पूर्वक, चलिए इसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, और यहां पे प्रायोरिटी आ गई कि ट्रिपल बॉन्ड वाला वन है और ये वाला टू। अब देखिए अब हम सी ट्रिपल बॉन्ड एन में आपको करके दिखाएंगे, चलिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन में करके देखते हैं। ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है जो सीआईपी रूल हम फिर लगा रहे हैं, यहां कार्बन और ये तीन जो बॉन्ड है इससे तीन नाइट्रोजन जोड़ लीजिए, एक दो तीन। अब किसी एक नाइट्रोजन पर आप ध्यान केंद्रित करिएगा, किसी एक नाइट्रोजन पर, एक जानते हैं नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो एक बना हुआ है दो और बना दीजिएगा, उसको किससे सेटिस्फाई करिएगा, कार्बन से, किससे करिएगा कार्बन से, आपने कर दिया। अब इसी प्रकार तो आपको आईटी जी मेंस हो चाहे एडवांस हो और उसमें सीआईपी रूल पूछ सकता है कि किस प्रकार से आप इसको खोलेंगे, आपको चार ऑप्शन दे सकता है, तो अगर आपको नहीं आएगा तो आप वहां मिस करेंगे, तो उस लिहाज में क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पर आप सी एच, अब इस वाले को हम यहां पर कर रहे हैं, कौन सा है, तो ये सी एच डबल बॉन्ड एन एम ई, अब देखिए इसको हम खोल के दिखा रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखें सी एच और डबल बॉन्ड एन है, तो दो नाइट्रोजन से आप जोड़े, ये देखिए यहां जोड़ा और यहां जोड़ लिया। इसके बाद आप देखिए इस एन से क्या जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है, तो किसी एक एन से, किसी भी एक दो तीन है, किसी से भी एक मिथाइल जोड़ लीजिएगा, देखिए मिथाइल जोड़ लिया, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, अभी दो ही बना रहा है एक बचा है, तो एक ऐसे करके कार्बन, ये देखिए इस प्रकार से आपने इसको खोल लिया। अब देखिए किस प्रकार से कहानी सरल हो जाती है, चलिए हम आपको यहां पर दोनों के बीच में किस प्रकार से कंपैरिजन है, बहुत सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं कंपैरिजन, ये कार्बन कार्बन टाई हो गया, फिर आगे बढ़े नाइट्रोजन नाइट्रोजन टाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन टाई, यहां देखिए ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन टाई, लेकिन यहां नाइट्रोजन और यहां हाइड्रोजन, ऊपर देखिए यहां पर नाइट्रोजन और यहां हाइड्रोजन, कौन जीता, दो में तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन टाई कर दिया, लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन है ये हार गया और ये वाला नाइट्रोजन जीत गया ऊपर वाला, इसलिए CN की प्रायोरिटी 1 है और CH डबल बॉन्ड NME की प्रायोरिटी 2 है। तो आपने देखा किस प्रकार से यहां पर इसकी प्रायोरिटी 1 आ गई और इसकी प्रायोरिटी 2 आ गई। तो अब बहुत सरलता से आप देख सकते हैं यहां सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, तो बताइए ये एग्जांपल क्या होगा, E होगा कि Z होगा, डेफिनेटली E होगा क्योंकि सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है। चलिए एक और एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन आपके लिए हम लेकर आए हैं और उसको दिए, देखिए यहां पर हम चीजों को और कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, साइकिल भी हमने ले लिया और अब सेम ग्रुप भी लगाना शुरू कर दिया, आप देखते हैं कैसे डिसाइड करेंगे। बच्चों यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर आप बहुत सिंपल देखें, यह कार्बन यहां भी कार्बन टाई, फिर आगे बढ़े तो यहां कार्बन से दो हाइड्रोजन, यहां जब आगे से आगे बढ़े, अच्छा यहां पे एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सब कुछ सेम चल रहा है, यहां से आगे बढ़े कार्बन से दो हाइड्रोजन, यहां बढ़े कार्बन से तीन हाइड्रोजन, आप ध्यान से देखें, और यहां से जब आप आगे बढ़े ये कार्बन और इससे दो हाइड्रोजन, तो यहां पर देखिए इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन। अब सोचिए
इस कार्बन के तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर जब आगे आप बढ़े तो इस कार्बन के दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो उसी लिहाज में आपको समझ जाना चाहिए था वो जीत गया ऊपर वाला। कैसे? क्योंकि यहां आप देखिए इससे कार्बन जुड़ा है और यहां पर तीनों हाइड्रोजन, तो इस पोजीशन में दो हाइड्रोजन पर तो टाई हो गया, लेकिन नीचे वाले में तीसरा भी हाइड्रोजन है लेकिन ऊपर वाले में तीसरा क्या है? कार्बन है। तो ये वन हो गया और ये हो गया टू। अच्छा, अब देखिए ऊपर वाले हम देख रहे हैं, यहां पर जब आप देखेंगे तो COCl बहुत अच्छा है, तो यहां पर हम इसको फ्रेश कर रहे हैं, तो ये हमारा वन आ चुका था और ये टू हो गया। अब बच्चों इसमें हम देखिए ये बहुत अच्छे ग्रुप है, यहां पे सब कुछ सेम है, तो इसको हम पूरा यहां पर आपको करके दिखा रहे हैं। ये COCl हो गया, तो इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। C लिखा, दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन आपने ऐसे खोल लिया और एक Cl था तो Cl ऐसे लगाया। जब मल्टीपल बॉन्ड को खोलते हैं तो किसी एक बॉन्ड से, अब ये ऑक्सीजन से, अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां एक ही बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड आप कार्बन से बना दीजिएगा। देखिए आपने इसको खोल के लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर अब दूसरा क्या है, सी, ये तो देखिए खुला ही हुआ है, तो यहां पर हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये जो सी सी एल ओ एच और OH, आप देखते हैं यहां पर, चलिए कंपैरिजन कराते हैं दोनों ग्रुप में। तो देखिए हम कंपैरिजन करा रहे हैं, यहां पर कार्बन टाई हो गया, यहां Cl, यहां Cl देखिए टाई हो गया, यहां ऑक्सीजन, ये देखिए तीनों टाई हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा, ध्यान से देखिए, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, मतलब दो ऑक्सीजन एक Cl, यहां भी दो ऑक्सीजन एक Cl। अब जब आगे बढ़ेंगे तो इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है? कार्बन। और यहां पर आगे बढ़ेंगे तो इससे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो बच्चों कार्बन यहां पर जिता देता है, हाइड्रोजन यहां पर हरा देता है। तो बताइए कौन जीता? जीता COCl। तो इसकी प्रायोरिटी वन हो गई और नीचे वाले की प्रायोरिटी टू हो गई। ध्यान से देखेंगे, ये जो आपने इसको एक्सपैंड करने का तरीका नहीं पता होता तो आप नहीं कर पाते। चलिए एक बार और करके इसको दिखा रहे, एक बार और करके दिखा रहे, जिससे आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो चलिए एक बार और, तो ये देखिए COCl को हम कैसे लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड ओ सी एल। तो यहां पर ध्यान से देखें, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन सी एल, और जिस मल्टीपल बॉन्ड को आपने मल्टीप्लाई किया उनमें से एक ऑक्सीजन एक को पकड़ेंगे और उसकी बैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, एक हो गया, दूसरी बैलेंसी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, दूसरे को किससे सेटिस्फाई करेंगे? कार्बन से। अब देखिए और दूसरा वाला ग्रुप तो हमारा बना ही हुआ है, ये कार्बन, इससे OH, OH और Cl। अब चलिए कंपैरिजन कराते हैं, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। कार्बन कार्बन टाई हो गया, Cl Cl टाई हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन टाई हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन टाई हो गया, आगे बढ़ा, यहां कार्बन यहां हाइड्रोजन, कौन जीता? कार्बन ने बाजी मार ली बच्चों। तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, और यहां पर हम आपको पहले ही बता चुके थे ये साइकिल वन है और ये टू है। तो यहां पर आपने देखा किस प्रकार से सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड में है, तो ये हो जाएगा जेड वाला फॉर्म। तो बच्चों आज के सेशन में हमने आपको सारे महत्वपूर्ण उदाहरण, जो आपके मन में हमेशा दुविधाएं होती हैं, डाउट होता है, उसको हमने क्लियर करने का पूरे मन से प्रयास किया सिंपल वर्ड्स में। कहीं कोई दुविधा हो तो एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपकी सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएंगी। और इसी प्रकार से हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म में एक एक फंडामेंटल से लेकर कॉम्प्लेक्स चीजों तक हर एक बातों को बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ करेंगे। प्रीवियस ईयर आईटी जेई एडवांस के क्वेश्चंस, मेंस के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, सबको करते रहेंगे। और आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिएगा, इसको देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, अप्रिशिएट करते रहिएगा। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, और इस घड़ी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।